हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं जनरल नेमिंग के बारे में, ठीक है। आईपीएससी नॉमिनक्लेचर में जनरल नेमिंग के बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। जो एलकिल हुसैन होते हैं उनके जनरल नाम क्या होते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर कैसी भी लगे तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाओ, सभी लोग सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरल नेमिंग के बारे में बातें करने वाले हैं। जनरल नेमिंग क्या होता है आईपीएससी नॉमिनक्लेचर में, ठीक है। तो पहले जनरल नेमिंग पढ़ लेते हैं, फिर आईपीएससी नेमिंग भी है, ठीक है दोस्तों। तो जनरल नेमिंग में मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी एल्किल भी होते हैं, या फिर आइसो और नियो एल्किल भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, ठीक है। आइसो नियो एल्किल भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आईपीएससी नॉमिनक्लेचर में जो मॉडर्न केमिस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें आइसो और नियो नॉमिनक्लेचर जो है वो ज्यादा प्रिफर किया जाता है। तो हम लोग भी अधिकतर जो क्वेश्चन करेंगे उसमें भी हम लोग आइसो और नियो ही यूज करेंगे, क्योंकि आजकल यही चल रहा है यार, यही ट्रेंडिंग है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी एल्किल्स क्या होते हैं, ठीक है। हम लोग उसके कैसे नॉमिनक्लेचर करते हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एग्जाम्पल है टर्सरी ब्यूटाइल का, ठीक है। तो हम लोग क्यों इसको ब्यूटाइल कह रहे हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 4, ठीक है। टोटल कार्बन नंबर 4। तो हम लोग 4 कार्बन का एल्क क्या होता है, अगर आपने एल्क वाली वीडियो नहीं देखी तो जाइए वीडियो को जल्दी से देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने एल्क के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप अगर ने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाओ देखो। और तो मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लोग बातें कर चुके हैं एल्क के ऊपर, एल्किल ग्रुप के ऊपर, और अधिकतर एल्किल कैसे बनते हैं ये सब हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा हम लोग इसको ब्यूटिल क्यों कह रहे हैं, ठीक है। हम लोग ब्यूट क्यों कह रहे हैं इसका एल्क, क्योंकि 1, 2, 3, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन का जो होता है, जो एल्क होता है वो ब्यूट होता है। जैसे मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिविजन दे रहा हूँ, ये देखिए एक कार्बन का क्या होता है मेथ, एथ मेथ, 2 कार्बन का एथ, 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट, ठीक है। तो 4 कार्बन का ब्यूट हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको ब्यूट कह दिए। और ये पहली बात तो ये इस पे फ्री वैलेंसी है, ठीक है, फ्री वैलेंसी है, इसलिए इल ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, इल जुड़ेगा, इल। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, ब्यूटिल। अब इसको टर्शियरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसपे फ्री वैलेंसी है, इसपे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने कार्बन ऐड है इसे, 1, 2, 3 कार्बन इससे ऐड है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसमें देखिए आइसो ब्यूटिल ग्रुप में देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4 ब्यूटिल हो गया, ठीक है, ब्यूटिल ग्रुप हो गया, फ्री वैलेंसी है तो ब्यूटिल ग्रुप हो गया। अब देखिए आइसो क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने आइसो ग्रुप पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आइसो और नियो। आइसो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1, 2, 3 कार्बन है, और ये जो कार्बन दूसरा वाला है सेकेंडरी कार्बन से ये चेन लगी हुई है, इसलिए हम लोग इसको आइसो ग्रुप कहते हैं। ये जो इतना कार्बन है, ये जो इतना ग्रुप है, इसको हम लोग आइसो कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटेन था ही, सॉरी ब्यूटिल तो था ही, ये ब्यूटाइल ग्रुप, और ये इसको हम लोग आइसो कहते हैं, तो आइसो ब्यूटाइल ग्रुप कह दिया। सिंपल सा है यार, ज्यादा कुछ इतना हार्ड थोड़ी है केमिस्ट्री। ये देखिए, ठीक है, 1, 2, 3 इसमें 3 ही कार्बन है, तो प्रोप हो गया, प्रोपिल हो गया, ठीक है, इसमें फ्री वैलेंसी है, प्रोपिल हो गया। अभी हम लोग ये जो होता है ये ग्रुप, अभी अभी हमने अभी अभी जस्ट इसके बगल में देखिए आइसो, ये देखिए आइसो, ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल हो गया, या फिर इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोपाइल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 2 कार्बन से लगा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन है, तो हम लोग इसको सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, किसी को बताना नहीं। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो ध्यान से, ये जो हम लोग अभी, अरे यार इसकी जस्ट पिछली वीडियो में हम लोगों ने बातें किया है, अभी तो ताजा ताजा है। ये देखो, ये तो पूरा तुम्हारा ऐसे ही नजर आ जा रहा है, सिंपल 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 साधारण सा, ये नियो ग्रुप है, ठीक है। और इसमें पेंटिल इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का एल्क जो होता है वो पेंट होता है, चूंकि फ्री वैलेंसी है, अभी किसी चेन से लगा नहीं हुआ है, तो इसलिए हम लोग इल जोड़ देंगे, तो पेंटिल ग्रुप हो गया। अब देखो ये जो पूरा ग्रुप है 5 कार्बन है में, और ये जो कार्बन प्राइमरी वैलेंसी पे, सॉरी प्राइमरी कार्बन पे ये फ्री वैलेंसी है, तुम्हारा खाली हाथ है या डंडा है, तो इसलिए इसको हम इस ग्रुप को नियो कहते हैं, तो नियो पेंटिल हो गया आपका, या फिर नियो एमाइल भी कहते हैं, और ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका जनरल नेमिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नेमिंग। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार।